नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सूर्या भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या। मंडे होती है तो आप आते हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। चलिए सबसे पहले गोपाल राव हमारे दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार गोपाल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक, मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है या बढ़िया सर? आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही यूजफुल हो रहा है, आई थिंक अदर्स को भी हो रहा होगा। थैंक्स फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल। आप ऐसा सुबह सुबह मंडे को बोल देते हैं तो पूरा हफ्ता अच्छा निकल जाता है हमारा। थैंक यू, आपने अपना सवाल भी भेजा हमको। पहली बात तो आपकी उम्र कितनी है? मेरे भी 42 है सर। 42, ठीक है। तो और मैंने 14 में या वो म्यूचुअल फंड जो इन्फॉर्मेशन दिया थे वो स्टार्ट किया था, लेकिन एक साल बंद कर दिया। तो मैं अगेन 15 इयर्स के लिए कंस्टेंटली करना चाहता हूँ, तो मुझे किस फंड पे जाना है वो थोड़ा गाइड कर दीजिए। चलिए, आप खुद ही अपनी गलती को मान चुके हैं तो हम नहीं कुछ बताएंगे, लेकिन वैसे स्टॉप करना नहीं चाहिए, लेकिन कर दिया कोई बात नहीं। अब एक फ्रेश बिगिनिंग है, 15 साल का आपका होराइजन है, 10,000 रुपए पर मंथ आप डालना चाहते हैं। सूर्या, चार स्कीम्स भी हैं जो आपके सामने हैं जो इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। क्या इनकी ये सिलेक्शन ठीक है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए, चार फंड पिक किए हैं गोपाल जी आपने, जिसमें से दो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी हैं और दो मिड कैप स्ट्रैटेजी हैं। और दो मल्टी कैप में भी जो आपका एक मल्टी कैप फंड है ICICI डिस्कवरी, जो कि एक वैल्यू एडेड फंड के अंदर कैटेगरी में आता है, तो एक तरीके से आपके तीन मिड कैप फंड्स आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में आपके हैं। और जो दो फंड्स आपके मिड कैप हैं, जो प्रॉपर मिड कैप फंड्स हैं आपके SBI और UTI, दोनों की ही परफॉर्मेंस अभी थोड़ी सी वीक चल रही है। काफ़ी देर से आप देखिए, दो तीन क्वार्टर से परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है। आपने भी आई थिंक ट्रैक नहीं किया है फंड्स को, क्योंकि आपने SIP छोड़ भी दिया था। तो जैसे विवेक ने कहा और आप भी खुद भी कह रहे हैं कि SIP को प्लीज़ आप होल्ड करके रखिएगा। आपका भी होराइजन 15 साल का है, इसको मेंटेन रखिएगा। एक आप नया मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं, मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप अच्छा फंड है, उसको आप ले सकते हैं। ऑलरेडी मल्टी कैप है, जो ये दोनों फंड हैं इनकी जगह आप अपने जो एग्जिस्टिंग फंड हैं उनमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में एक लार्ज कैप फंड भी आप ऐड कीजिएगा। ICICI फोकस ब्लू चिप अच्छा फंड है, एक बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी भी है। तो इनमें से एक एक फंड का मिश्रण करके एक आपका लार्ज कैप हो जाएगा, मल्टी कैप स्ट्रैटेजी, मिड कैप, और चार फंड का अच्छा मिश्रण है। मेंटेन रखिएगा, परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत ट्रैक रखिएगा, हर 2-3 महीने में एक बार पोर्टफोलियो जरूर चेक कीजिए अपना। और अगर अंडर परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस आती है फंड्स के अंदर 2-3 क्वार्टर्स में, तो आप अपने फंड को चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अब चलते हैं मोहित जो फोन लाइन पर है उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मोहित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओके सर, सर मेरे पास मैंने लिस्ट में भेजे हुए थे सर कुछ एक फंड जी। आपकी स्कीम्स की नाम तो मिल गई, लेकिन एक चीज जो मुझे आपके मेल में लगा, आपने कहा कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है माइंड में, ऐसा क्यों है भाई? सर इट्स लाइक के आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मार्केट एंड फंड्स के हिसाब से मैंने फंड्स गोल्स के हिसाब से नहीं सेट करे। इट्स लाइक की हाँ, 3-4 साल में या 5 साल के बीच में मेरे पास काफी लाइबिलिटीज होंगी, होम बींग वन एंड और आपने खुद ही आंसर किया कि गोल्स तो कुछ है मन में आपके, ऐसा नहीं है कि गोल नहीं है, है ना? गोल तो है, उनको एक थोड़ा लिस्ट करिए ठीक से और उसके मुताबिक इन्वेस्ट करिए, है ना? और स्कीम्स तो आपने ले ली, शुरुआत भी आपने कर ली, ये ले चुके हैं आप ये सारी स्कीम्स के लेनी है मोहित? ले चुके हैं आपने, 7 स्कीम्स आपने ले ली हैं, लेकिन गोल तो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे अपने लिए, जो भी गोल हो। गोल बदल भी सकते हैं लाइफ के साथ, ऐसा नहीं है कि जो आज कर लिया डिसाइड तो वही अब 25-30 साल तक रहेगा, लेकिन इवेंट्स हो सकते हैं लाइफ में, गोल चेंज हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी अपने गोल आप प्लीज पुट डाउन करिए, है ना? ठीक है, चलिए सूर्या भी आपको बताएंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सूर्या, 7 स्कीम्स ली हैं इन्होंने और 13,500 डाल रहे हैं पर मंथ। देखिए, जो इनके फंड्स हैं मोहित आपके, ये फंड्स काफ़ी एग्रेसिव फंड्स आपने पिक किए हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर अपने, और 3 सेक्टोरल फंड्स हैं आपके पास, 2 स्मॉल कैप फंड हैं, 1 मल्टी कैप फंड है, जो आपके साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो आपके फंड की पिक्स हैं, इवन सेक्टोरल फंड जो आपने लिए हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है पिछले 1 साल के अंदर। पर ये कारण नहीं है कि इसी कारण से इन फंड्स की परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी ऐसी ही रहेगी।
क्योंकि जो भी सेक्टोरल कॉल आप लेते हैं वो हम टिपिकली बोलते हैं जैसे फ्लेवर ऑफ द सीजन कहते हैं, वही होता है। बैंकिंग है काफ़ी अच्छा चला है, कंजम्पशन है काफ़ी अच्छा चला है, एक आपने नेचुरल रिसोर्सेज लिया है वो भी काफ़ी अच्छा चला है, तो अच्छी कॉल्स गई हैं। पर क्या हर समय में ऐसी कॉल जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा फंड मैनेजर पे भी छोड़ देना चाहिए। अग्रेसिव पोर्टफोलियो है क्योंकि आपने जो एक वर्ड यूज़ किया था अपने क्वेरी के अंदर वो था कि मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, थोड़ा सा चेंज करके इसको आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स कर दीजिएगा, तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। थोड़ा सा एक मल्टी कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप में ज़रूर जाइए, आज की डेट में वैल्यूएशंस इतनी सस्ती नहीं है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, एलोकेशन को मेंटेन करेंगे, सिर्फ रिटर्न्स को चेज मत करिए क्योंकि नुकसान भी हो सकता है लंबे समय के अंदर। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो को अपने, और जैसे विवेक ने कहा आपको, थोड़ा सा एक गोल बेस्ड सेंट्रिक अप्रोच आप रखेंगे तो एक आप एलोकेशन स्ट्रेटजी अच्छी बना पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए। चलिए मोहित, खुशी हुई आपसे बात करके। अब चलते हैं सचिन, सचिन मदान अब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, ये 37 साल के हैं। गुड मॉर्निंग सचिन। गुड मॉर्निंग विवेक जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से ही बोल रहे हैं जी। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आपने 7,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू की है पर मंथ, और स्कीम्स के आपने नाम भी भेजे हैं। 20 साल का आपका टाइम फ्रेम है, 2.5 करोड़ का आपने गोल बनाया है रिटायरमेंट का। तो सूर्या जो इन्होंने स्कीम्स चुनी है और जो अमाउंट अभी डाल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं सचिन जैसे आगे चलते हुए सैलरी बढ़ेगी, कहीं से कोई बोनस आएगा तो प्लीज उसको ऐड भी करते रहिएगा, ठीक है जी। चलिए देखिए, जो उन्होंने फंड्स पिक किए हैं सचिन, आपने अच्छी सिलेक्शन है, पर आपने एक सेक्टोरल कॉल ले ली है, आपने इसे फार्मा सेक्टर पिक किया है। जैसे अपनी पहले भी अभी क्वेरी में बताया था कि कोई सेक्टोरल कॉल चलती है कोई नहीं चलती है, फार्मा की कॉल है वो आजकल नहीं चल रही है, तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है सेक्टर के अंदर। पर ये कारण नहीं है कि आप इस सेक्टर से निकलिएगा, आप फंड मैनेजर को चांस दीजिए एलोकेशन करने का, ना कि आप डिसाइड करें। अगर आप बुलिश हैं तो मेंटेन रहिएगा, पर फिर फायदा ही क्या हुआ फंड मैनेजर का, जिसके पास सारी नॉलेज है, सारा एक्यूमन है, और उसका काम ही यही है कि पिक करना स्टॉक्स को बेसिस परफॉर्मेंस, बेसिस एलोकेशन। तो आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, बाकी दोनों फंड्स अच्छे हैं आपके, तो एक आप मल्टी कैप स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो में डाल लीजिए जो कि आपके पास नहीं है। तो मोतीलाल मोस्ट फोकस 35, कोटक सिलेक्ट फोकस अच्छे फंड हैं, इनमें से एक फंड पिक करिएगा। आप अभी 7,000 रुपये की सेविंग कर रहे हैं, 21,000 रुपये महीने का सेव करते हैं, 20 साल का अगर टारगेट करके चले तो आपकी 50 लाख के लगभग आपकी मूल राशि बैठती है। अगर आपका टारगेट लंबे समय का है जो कि आप कह रहे हैं, तो आप अपने गोल को आराम से मीट कर पाएंगे, पर पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रखिएगा तो आपको लंबे समय में एलोकेशन फायदा ही देकर जाएगा। जी बिल्कुल सचिन जी, सुन लिया आपने? यस सर, मेरे को और तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, 21,000 इज इनफ। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा सचिन कि क्या आप ऐड कर सकते हैं, पहले तो ये बताइए मुझे आप। यस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, क्योंकि आपका एक गोल नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे आपके लिए वो बेहतर रहेगा। जैसे आपने 20 साल बोला, क्या पता आप 17 साल में कर लें, तो क्यों नहीं जब आज की डेट में आप सेविंग कर सकते हैं तो बढ़ाइए, पुश करिए अपने आप को। सेविंग जो एक हैबिट है, एक एक्सपेंस के तौर पे मानिए, ताकि आप जो खर्चा करें वो भी सेविंग ही आपको लगे। ठीक है सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए करोड़पति बनिए और रिटायर होइए जल्दी, और फिर घूमिए दुनिया। अब चलते हैं पंजाब, जहां से गौरव कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गौरव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बढ़िया सर। जी, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ली हैं आपने, 6 महीने से SIP कर रहे हैं आप? यस सर। जी सूर्या, स्कीम्स आपके सामने हैं और 20 साल का इनका टाइम होराइजन है, जानना चाहते हैं क्या पोर्टफोलियो ठीक है इनका? देखिए 7 फंड्स हैं इनके पास, जिसके अंदर से इनके पास 2 ELS फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं और 2 ही मिड कैप फंड लिए हुए हैं, और साथ में इनके पास 3 मल्टी कैप फंड हैं। तो आप अपना एक ELSS और एक मल्टी कैप फंड आप कम कर सकते हैं, 5 फंड्स का पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा आपके लिए। सारे फंड्स की सिलेक्शन जो आपने करी है अच्छी पिक है आपकी, इनको मेंटेन रखिएगा, थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिएगा। जैसे ELSS फंड्स हैं, कभी कभी जैसे एक फंड में परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसी हर 3 से 6 महीने में क्वार्टरली रिव्यू पोर्टफोलियो का करिएगा आप,
ताकि एक पोर्टफोलियो का अच्छा मिश्रण बना पाएं अपने लिए। जो आप टारगेट करते हैं, सेविंग आपकी अभी हो रही है 19,000 रुपये की प्रति माह के हिसाब से, साल का 2,28,000 रुपये आप सेव करते हैं, और 20 साल में अगर मैं मूल राशि करूं तो 45,00,000 आपकी बन जाती है, जो कि 15% के हिसाब से जो आपका टारगेट है 2 से 2.5 करोड़ का, वो लगभग अचीव हो जाएगा आपका। पर कोशिश करिए कि अगर आप सेविंग को बढ़ा पाएं हर साल तो उसको बढ़ाइएगा, ताकि आपका जो टारगेट है अमाउंट है वो जल्दी अचीव हो जाए। चलिए अब चलते हैं, मेरे हमनाम विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? ठीक है? यस सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। पुणे से, क्या उम्र क्या है आपकी? सर मेरा एज 33। ओके, आपने शुरुआत कर दी 3 स्कीम्स के साथ, बहुत अच्छी बात है। 13,000 अभी आप डाल रहे हैं, और जैसे हम कहते रहते हैं शो पर, आगे चलते हुए जैसे आपकी इनकम बढ़े तो प्लीज ऐड भी करते रहिएगा, लेकिन अच्छी शुरुआत की है आपने सूर्य। टारगेट बहुत क्लियर है इनके, गोल बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज और अपनी रिटायरमेंट। देखिए, थोड़ी सी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी आपको विवेक। स्कीम्स का जो चयन किया है आपने, अच्छे फंड्स हैं, तीनों ही अच्छे फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एक लार्ज कैप, मल्टी कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो है आपका, तीनों ही अच्छे फंड्स हैं, इनको मेंटेन रखिएगा। 13,000 के दर से आप सेव करते हैं, 1,56,000 साल का आपकी सेविंग का पोटेंशियल है जो आप कर रहे हैं। कोशिश करिए कि इसको मैं कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि आपके जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं आपके, बिल्कुल सही हैं, पर इनको अचीव करने में थोड़ी सी कमी की महसूस होगी आपको आने वाले समय के अंदर। तो कोशिश करिए धीरे धीरे करके अपनी सेविंग की दर को थोड़ा सा इंक्रीज करते जाइएगा। जी, अब लेते हैं एक सवाल सतीश का आया है हमको। ये 28 साल के हैं और कहते हैं इन्होंने SIP शुरू कर दी है, 4 स्कीम्स ली हैं सूर्या इन्होंने जो आप तक पहुंच गई हैं। ये कहते हैं कि 20 साल का इनका व्यू है, वेल्थ क्रिएशन इनका गोल है, और 20,000 एक बिरला सनलाइफ प्योर वैल्यू फंड में भी इन्होंने डाले हैं। क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए, अच्छे फंड हैं आपके, जिसमें से जो 4 फंड्स पिक किया आपने, 2 मिड कैप हैं, 1 मल्टी कैप है और 1 लार्ज कैप है। आपने साथ में एक्स्ट्रा भी इन्वेस्टमेंट करी है जो लमसम करी थी, वो भी अच्छा फंड है, पर वो भी मिड कैप का ही फंड है आपका। तो मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा बिल्ट हो रहा है आपका, 1 से 2 मिड कैप फंड आप रख सकते हैं, पर 3 रखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो जो लमसम पैसा डाला हुआ है आपने, वहाँ से निकल कर आप जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसके अंदर डालिएगा, पर हाँ मिड कैप में मत डालिए, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा हुई हुई है आजकल, परफॉर्मेंस आ सकती है पर रिस्क का लेवल भी ज़्यादा है। तो थोड़े से अपने रिस्क को समझिएगा। हम हर बार यही बोलते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स को चेज मत करिए, थोड़ा सा समझिए पोर्टफोलियो को, क्या आपकी डिमांड है। हर कोई चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न आए, पर कितना रिस्क मैं लेना चाहता हूँ उस रिटर्न को अचीव करने के लिए, ये आपको ही डिपेंड करता है, आपको ही, आप पे ही निर्भर करता है। कोशिश करिए थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर को बढ़ाएं आप। चलिए अब बैंगलोर चलते हैं, जहां से जयशील ढाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जयशील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी एज 23 है और मेरी अभी इनकम 30K पर मंथ है, और मैंने 3 SIP स्टार्ट किए ईच 2,000। ओके, मेरा गोल 1 to 1.5 करोड़ है, तो मैं 30 से प्लस साल के लिए रेडी हूँ। तो ये सही है कि नहीं SIP? और ये अभी आप केवल 23 के हैं, तो आगे चलते हुए आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी, तो प्लीज इसको बढ़ाते भी रहिएगा, ठीक है? अभी के लिए ठीक है, अभी 2,000 है आपके पास, आपने शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप 6,000 इनफैक्ट डाल रहे हैं, और जैसे जैसे आपके इनकम बढ़े इसको ऐड करते रहिएगा। 30 साल का टाइम फ्रेम है सूर्या, देखिए कैसे देश बदल रहा है हमारा। 23 साल के लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 ईयर्स 35 ईयर्स के टाइम फ्रेम के साथ, मेरे ख्याल से ये 1.5-2 करोड़ को तो इजिली पार कर देंगे, डबल कर लेंगे विवेक यहाँ से, डबल कर लेंगे, और बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि इनके पास 30 साल है जो किसी और के पास नहीं है इस उम्र के, जो 23 साल के आप हैं जयशील। तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी सेविंग को कैसे बढ़ा पाए यहां से। बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने बहुत जल्दी रहे हैं अभी साल का, महीने का, आप साल के अंदर 72,000 रुपये सेव करेंगे तो आप 3 करोड़ की राशि अचीव कर पाएंगे 15% के हिसाब से 30 साल के अंदर।
तो पोटेंशियल सोचिएगा, जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, सेविंग की दर बढ़ेगी, आप कहां से कहां लेके जा सकते हैं इस पोर्टफोलियो को। थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक हैबिट डालनी पड़ेगी सेविंग में, और आपने सही समय पे शुरू किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब चलते हैं, आइडिया के मैनेजमेंट हैं हमारे साथ और रजत भी जुड़ रहे हैं जो उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल विवेक, और मुद्दा यह है कि आइडिया सेलुलर के दो इंपॉर्टेंट आज अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो रिजल्ट्स आए हैं और साथ साथ एटीसी को इन्होंने अपना जो है वो टावर कारोबार बेचने का ऐलान किया है। मेरे साथ मैनेजमेंट इससे में मौजूद है, हिमांशु कपानिया साहब मौजूद है, एमडी आइडिया सेलुलर के। सर बहुत शुक्रिया हिमांशु जी अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। नतीजों से शुरुआत करते हैं सर, ये इस बार ऐसा क्या हुआ, कंसोलिडेटेड लॉस 1106 करोड़ कंपनी ने बुक किया, की हाईलाइट्स क्या रहे सर? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आप सही कह रहे हैं, आज के दिन हमने बोर्ड ने दो अपना क्वार्टरली रिजल्ट अप्रूव किया है और हमारी ट्रांजैक्शन जो स्टैंडर्ड टावर की है वो अप्रूव की है। ऐसा रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड, आपको मालूम है कि मोबाइल सेक्टर इज अंडरगोइंग ए मेजर स्ट्रक्चरल चेंज। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेटर होते थे and then we had a one new 4G operator from September 2016 who changed the dynamics of the industry, changed the consumer's consumption habit by offering free voice and data services from September to March 2017. Uske impact was that the overall tariff of the industry has fallen. Idea's voice tariff as well as data tariff has been tumbling for the last 3 to 4 quarters, and we believe ke ye quarter 2 we are coming to an end of the decline of tariff, and now the volume will most likely overtake the decline that we've seen in the past few quarters. Achha, so the results हिमांशु जी, अगर रिवाइवल हुआ भी तो क्या माने जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी कंपनी ने रखी हुई है, आइडिया नहीं सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, जो टैरिफ वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, इसका अब कुछ अंत होता हुआ नजर आएगा और कुछ प्राइसिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? सो द मेजर चेंज दैट इज हैपनिंग इन द सेक्टर इज कंसोलिडेशन फ्रॉम 9 ऑपरेटर्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए सिचुएशन दैट द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स में रिड्यूस टू 4 to 5 ऑपरेटर्स। जो लास्ट दो क्वार्टर में आइडिया हैज बीन लूजिंग सब्सक्राइबर्स, बट नाउ वी सीइंग फ्रॉम द टाइम आरकॉम इज अनाउंस इज शेड्यूल्ड क्लोजर एंड एज वेल एज मूवमेंट और मर्जर बीइंग प्लान्ड ऑफ अदर टू ऑपरेटर्स विद भारती, वी ऑलरेडी सीइंग कंज्यूमर्स इन ऑफ दीज ऑपरेटर्स लुकिंग फॉर न्यू ऑपरेटर्स विच इज हेल्पिंग अस get subscriber growth. Jaisi subscriber growth will continue, so would revenue should return back in the coming quarters. अच्छा हिमांशु जी, अब ये डील पे आते हैं, आज जो ये अनाउंसमेंट की है आपने एटीसी टेलीकॉम को, आप पूरा टावर कारोबार बेच रहे हैं सर, ये मेरे पास जो आंकड़ा है वो है 20,000 करोड़ का, जो वोडाफोन और आइडिया का कंबाइंड है, इसमें से आइडिया के कितने टावर्स हैं और कितनी रकम आइडिया को मिल रही है? तो आप सही कह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को कि मार्च 2017 में आइडिया सेलुलर एंड वोडाफोन इंडिया अनाउंस्ड इट्स ट्रांजैक्शन टू मर्ज बोथ द कंपनीज एंड द मर्जर प्रोसेस इज अंडर वे सीकिंग वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स। एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वी एग्री टू स्ट्रेंथन आवर बैलेंस शीट और वी एग्री टू सेल नॉन स्ट्रेटेजिक टावर्स। Total quantity is 20,000 towers of Idea and Vodafone. Idea has 9,900 towers out of these 20,000 towers, and these as a subsidiary company of Idea, which is Idea Cellular Infrastructure Services Limited, will now be sold as a 100% stake sale to ATC. Now there is a two possible scenarios. Scenario is the Vodafone Idea merger were to happen first. In that eventuality, the merged entity will get the total amount of 7,850 crores. The other scenario is that the regulatory approval for this stake sale happened before the merger, and in that situation Idea Cellular will receive an amount of 4,000 crores out of the 7,850 crores.
अच्छा, और ये रकम जो होगी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसको आप थोड़ा बता सकते हैं सर? तो यू नो मोबाइल कंपनीज नीड टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट्स, दे आर इन एक्सपेंशनरी मोड. आइडिया इज अ वेरी स्ट्रांग पैन इंडिया ऑपरेटर फॉर वॉइस बिजनेस. We are in the last 2 years aggressively investing in expanding our 4G footprint. But even as we speak, only about 47% of India we cover. And our broad intention is to reach 4G coverage on a pan-India basis, as well as to improve our capacity. There's a lot of spectrum that we have, which is currently underutilized, and we intend to utilize this. आपने स्पेक्ट्रम की बात उठाई है, तो एक खबर ये भी आ रही है अभी सोर्सेज के हवाले से कि हो सकता है 50% स्पेक्ट्रम जो है जिसपे कैप लगा हुआ है, एक स्पेक्ट्रम पे 50% और कुल मिलाकर पूरे स्पेक्ट्रम पे 25%, ये कैप हटा दे सरकार. ऐसा होता है तो आइडिया सेलुलर वोडाफोन को फायदा होगा क्या, क्योंकि अभी तो मर्जर के बाद अटकलें ये लग रही थी कि कुछ स्पेक्ट्रम में यहाँ पर ज्यादा ओवर एक्सीड ना हो जाए इस 50% की लिमिट से. I think it's premature. We will wait to see the recommendation to by TRAI to DOT and then final decision of DOT. I think it's very premature to be able to talk about it. चलिए हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया सर अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए, नतीजों पे खास तौर से, और ये जो आपने डील की है ATC टेलीकॉम को अपना पूरा 100% स्टेक जो है टावर कारोबार का वो आईडीएसएल ने बेचा है उस पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया.